हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो ट्राईपॉड के बारे में है, नॉट दिस वन। ये मैं कुछ एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ ट्राईपॉड रखा हुआ है। सो आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट अ ट्राईपॉड जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, विल टॉक अबाउट इट। इट इज़ बेसिकली जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो या आप प्रोफेशनली वेडिंग्स या इवेंट्स कर रहे हो जहाँ प्रॉपर वीडियो वर्क करते हो, वहाँ पे ट्राईपॉड एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को लग रहा है आज के टाइम में भी काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं करते। मेरे को भी ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले तक ऐसा लगता था कि मैं 20 या 30 या उससे ज़्यादा हज़ार क्यों खर्च करूं एक ट्राईपॉड में, जबकि मैं वो चीज़ अपने लेंसेज या कैमरा में इन्वेस्ट कर सकता हूं। बट उसको प्रैक्टिकल यूज़ करने के बाद मेरे को समझ आया असली वीडियो ट्राईपॉड का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस ट्राईपॉड ओवर हियर जो फ़ोटोज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ। सो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, इसका जो हेड है, दिस इज़ अ नॉर्मल बॉल हेड, तो ये फ़ोटोज़ के लिए ठीक रहता है। बट अगर मैं इसको वीडियो के लिए यूज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पर कैमरा रखता हूँ सो इसका जो मूवमेंट है वो इतना स्मूथ नहीं हो पाता। अगर मेरे को पैनिंग भी करना है या अगर मेरे को टिल्ट करना है या कुछ भी मूवमेंट करना है, वो इतना स्मूथ नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी अच्छा बॉल हेड में इन्वेस्ट कर लो। सो ये एक एग्जांपल था बॉल हेड का जो मैं फ़ोटोज़ के लिए एक बार को यूज़ कर सकता हूँ, बट वीडियो में ये चीज़ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो अब मैं आपको ट्राईपॉड दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इतने टाइम से, और वो है मैनफ्रोटो 500 AM। सो ये जो ट्राईपॉड है मैनफ्रोटो का 500 AM, ये इस बैग के साथ आता है। सो ऑब्वियसली ये एक अच्छे क्वालिटी का बैग है। आई जस्ट ओपन इट एंड ट्राईपॉड देखते हैं कि वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इतने टाइम से। सो ये है मैनफ्रोटो का ट्राईपॉड। तो पहले मैं इस बैग की बात करता हूँ जो आपको इसके साथ में मिलता है। सो यू कैन सी ओवर हियर विद द मैनफ्रोटो ब्रांडिंग, एंड ये आपको शोल्डर स्ट्रैप मिल जाता है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो ट्राईपॉड को यूजिंग दिस। बट जो इसका कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट जस्ट अ क्लॉथ, इट कम्स विद अ गुड कुशनिंग। तो ये मेरे को लग रहा है कि मैं ईजिली इसमें अपना ट्राईपॉड कैरी कर सकता हूँ। इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राईपॉड जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे। सो ये एक चीज़ जो सबसे पहले मैं जब ट्राईपॉड सबसे पहले इसको अनबॉक्स किया था, तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये जो रबर ग्रिप है, इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग जो इसको साथ में रखता है। अब कई बार क्या होता है, हम जब ट्राईपॉड कैरी कर रहे हैं हम यूजुअली इस तरह से भी कई बार पकड़ते हैं। सो इसका जो ये रबर ग्रिप है ये क्या करता है, ये इन तीनों लेग्स को साथ में जॉइन करके रखता है। एंड अगर मेरे को उसको यूज़ करना है तो मैं इसको सिंपली इस तरह से निकाल के, एंड अब मैं इस ट्राईपॉड की लेग्स को जैसे भी चाहूँ एक्सटेंड करके आई कैन स्टार्ट यूजिंग दिस मैनफ्रोटो ट्राईपॉड। अब जो इसका हाईलाइट है इस ट्राईपॉड का जो मैं इतने टाइम से बात कर रहा था, ऑब्वियसली वो है इसका हेड। सो ये जो हेड है, जैसे मैंने अभी इसके बारे में बात किया था, दिस इज़ अ बॉल हेड जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बॉल हेड का जो मूवमेंट है ये थोड़ा लिमिटेड रहता है, बट यहाँ पे जो ये मैनफ्रोटो में हमें हेड मिलता है पर्टिकुलरली इस ट्राईपॉड में, वो है फ्लूइड हेड। अब फ्लूइड हेड और बॉल हेड में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ऑब्वियसली इसका जो मूवमेंट है, जो आप स्पेशली वीडियो कैमरा में करोगे अगर आप एक हैवी DSLR लगा रहे हो उसके साथ। सो इस फ्लूइड हेड में जो चीज़ मेरे को अच्छा लगा वो है कि अगर मैं इस हैंडल को यूज़ करके मूवमेंट कर रहा हूँ सो आई एम श्योर कि जो मेरा मूवमेंट है वो स्मूथ हो रहा है और उस वीडियो में जर्क्स नहीं आएंगे, काफ़ी स्मूथ मूवमेंट रहेगा। सो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है टिल्ट है, अगर आपको आगे या पीछे को टिल्ट करना है अपने कैमरा को, आप इस तरह से इस नॉब को अनलॉक करके इसका जो मूवमेंट है उसको अनलॉक कर सकते हो। और अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको लॉक करना है लाइक यहाँ पे, तो मैं इस तरह से इसके नॉब को लॉक कर दूंगा और अब ये जो मेरा ट्राईपॉड है कैमरा एक एंगल पे फिक्स हो जाएगा। सो मेरे को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कैमरा आगे या पीछे जा सकते हैं, हल्का सा भी अगर हिलेगा तो मेरा जो हेड है वो रोटेट हो सकता है। बिकॉज बीइंग अ मैनफ्रोटो प्रोडक्ट जो 1974 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहला ट्राईपॉड बनाया था मैनफ्रोटो ने, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने साल से मैनफ्रोटो ट्राईपॉड्स बना रहा है। मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, कमेंट करके आप बताना, जिसका कमेंट सही होगा उसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे और क्या। सो दिस इज़ वन मूवमेंट जो मैंने दिखाया जहाँ पे आप टिल्ट कर सकते हो। पैन मूवमेंट के लिए यहाँ पे आई कैन सी अ नॉब जिसको अगर मैं अनलॉक करता हूँ सो इस तरह से मैं अपना
पैन मूवमेंट कर सकता हूँ। सो ये एक चीज़ फ्लूइड ट्राइपॉड में क्या रहता है दैट आपको पता है कि इसका जो प्रिसीजन है वो काफ़ी एक्यूरेट होने वाला है। सो अगर मैं इस तरह से इसको पैन कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि अगर मैं उस वीडियो को 100% स्पीड पे भी ले रहा हूँ आई एम श्योर कि उसमें जर्क्स नहीं होंगे और एकदम स्मूथ पैन इफेक्ट आएगा। तो ये एक काफ़ी बेनिफिट हो जाता है फ्लूइड हेड का। अब फ्लूइड हेड की अगर मैं बात करूँ सो फ्लूइड हेड इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे जो आप ये मूवमेंट्स देखोगे अगर मैं पैन या टिल्ट कुछ भी कर रहा हूँ सो इस मूवमेंट में जो प्रिसीजन है जो स्मूथनेस है वो इस वजह से है बिकॉज इनके जो अंदर मैकेनिज्म है उसमें फ्लूइड यूज़ होता है जहाँ पे जो हम पैन या टिल्ट करते हैं उसका एकदम स्मूथ जो भी आप प्रिसीजन देख रहे हो वो रहता है। प्लस अगर मैं पैनिंग या टिल्टिंग भी कर रहा हूँ तो वो एकदम स्मूथ इफेक्ट रहता है। स्पेशली वीडियो में ही मेनली ये काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि मैं एक महीने से ये ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है दैट हैज़ बीन अमेजिंग। और मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को 2 साल होने वाले हैं YouTube करते हुए, नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि ये मेरे को पहले ले लेना चाहिए था सो दैट मेरा प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब हो रहा है यूजिंग दिस, आप कुछ वीडियोस में देख सकते हो। मैंने एक लूपटेक के जो पूरा उसका रिव्यू करा था उसमें इसको यूज़ करके मैंने उसका पूरा सैम्पल्स बनाया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि इसके पैन और टिल्ट मूवमेंट्स को यूज़ करके फ्लूइड हेड स्पेशली क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट इसका पेलोड कितना है, हेड 5 kg तक ले सकता है। और अगर मैं इस हेड के वेट की बात करूं सो खाली हेड का जो वेट है वो 1.1 kg है और ये जो ट्राइपॉड लेग्स का वेट है ये 2 kg है। सो इन टोटल 3.1 kg का ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इतना हैवी नहीं है, इतना लाइट भी नहीं है अगर मैं इन तरह के ट्राइपॉड से कंपेयर करूँ। बट अगर मैं वीडियो ट्राइपॉड्स की बात कर रहा हूँ सो यहाँ पर आप इतना लाइट वेट नहीं देखते, आपको बेसिकली चाहिए कि आपका जो हेड है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। सो ये है हेड एंड ट्राइपॉड का कॉम्बिनेशन। लेग्स का मैंने इतना बात नहीं किया बिकॉज देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। एल्यूमिनियम लेग्स हैं एंड और नीचे जो लेग्स हैं वो रबराइज्ड है एंड ऑब्वियसली इसका जो हाइट एक्सटेंशन है आई विल जस्ट शो यू, जिसको ओपन करने के लिए इस तरह से इसको आप खोल सकते हो इस तरह के ये जो लॉक्स हैं इसमें इनको यूज़ करके। एंड एक बार मैं इसको पूरा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो फाइनल हाइट होगा वो क्या होगा सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि इस जगह में ओपन हो पाएगा। सो ट्राइपॉड को फुली एक्सटेंड करने के बाद ये इसका फाइनल हाइट है विच आई अज्यूम 5.5 feet के आसपास होगा। तो एज़ पर द स्पेसिफिकेशंस लेग्स की मैक्सिमम हाइट 5 feet है जो यहाँ तक आ रही है। मेरी हाइट 6'2" है तो आई एम अज्यूमिंग अराउंड 5.5 feet तक का आपको मिल जाएगा। एंड कैमरा लगाने के बाद आई एम श्योर मेरे आई लेवल पे आएगा। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है या थोड़ी ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आई थिंक ये एक आइडियल हाइट रहेगा, स्पेशली जब आप वीडियोस बना रहे हो LCD स्क्रीन में देख के। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस ट्राइपॉड जो मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आई थॉट कि आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो ये प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि थोड़े सीरियस वीडियो क्रिएटर्स के लिए है, चाहे आप प्रोफेशनली शूट करते हो या आप YouTube पे भी आपका चैनल है। लाइक मैं मोस्टली इसको YouTube के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ या करूँगा बिकॉज इसका जो पैन एंड टिल्ट मूवमेंट्स है वो बहुत स्मूथ है। एंड स्पेशली जब आप 60 FPS या इवन आप 120 FPS पे शूट करते हो तो जो इसका मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ रहेगा एंड इट वुड कॉम्प्लीमेंट द स्लो शटर स्पीड ऑफ योर कैमरा। सो दिस इज़ इट, लेट मी नो योर व्यूज़ कमेंट सेक्शन में। इसका लिंक अगर होगा मैं Amazon का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। और हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।